देखिए अरविंद, बड़ा ही गंभीर विषय है। इस पर राजनीति की जगह पर अगर समाज नीति की बात हो तो उचित है। कुछ बातें हैं यहाँ पर बड़ी क्लियर हैं बिल्कुल कि सुरेंद्र जी, बिल्कुल इसके हम रियल पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में कोई बहुत विवाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं जुड़ी रही है, इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, राजनीति तो राजनीति तो समाज नीति का एक हिस्सा है, वो तो होगी ही। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आपको राम रहीम को और डेरे को अलग अलग करके देखना होगा। डेरा कभी भी हिंसा के सपोर्ट में नहीं रहा। डेरा आज से 50, 60, 70 साल पहले से है, यही डेरा है। तो इसलिए किसी भी डेरे के नाम से या किसी राम रहीम के नाम से, किसी एक व्यक्ति के नाम से, साक्षी के नाम से, पूरे के पूरे डेरे के अनुयायियों को दंगाई कह देना या इस तरीके की बात कहना, मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने डेरा प्रमुख से या डेरे के और लोगों से, उनके समर्थकों का समर्थन लेकर के सरकार तो बना ली, लेकिन उसके बाद टोटल की टोटल सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर पंगु हुई, फेल साबित हुई। 3 दिन से लगातार एलआईयू की रिपोर्ट आ रही, 144 धारा आप लगा रहे हैं और 140 धारा लगाते हुए 5-5 लाख लोग जो एक गलत तरीके से कह करके लाए गए, वहां पर इकट्ठे किए गए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुट ने उनका समर्थन किया, वहां लाने में उनका समर्थन किया, वहां बैठाने में उनका समर्थन किया, और उसके बाद पुलिस और प्रशासन को पंगु करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है शुद्ध रूप से टोटल फेल्योरिटी है। और मेरी मांग है कि धारा 356 का इस्तेमाल करके इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये 3 बार अपने कामों को निर्वहन करने में कानून व्यवस्था के फेल हुए। बिल्कुल, ये एक तीसरा तीसरा ऐसा मौका है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आज इस तरह से जाट आंदोलन हमें इस तरह से फेल्योर दिखा, एक बात और अरविंद, रामपाल को लेकर और अब ये मामला। एक लाइन और मैं कह दूं, ये डेरे के जो समर्थक हैं हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल में समानुपातिक रूप से रहते हैं। पंजाब और हिमाचल नहीं जला, हरियाणा जला। आप इस चीज को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पंजाब में जो इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई, हरियाणा में और हिमाचल में बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन हरियाणा का पूरा जल गया। क्या कारण है कि दो कांग्रेस शासित राज्य नहीं जले और एक ये भाजपा शासित राज्य पूरा जल रहा है, इस पर भी गंभीरता पूर्वक बिल्कुल देखने का कि ये भी नजरिया है। और जाहिर सी बात है, इसे इसको लेकर जो है शासन प्रशासन का फेल्योर माना जा रहा है। हमने कोशिश की कि बीजेपी की तरफ से भी कोई व्यक्ति आए, कोई नुमाइंदा आए, और लेकिन कई कोशिश के बावजूद भी कोई आने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए हम इसी पैनल के साथ इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे।